हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री की 17th वीडियो और उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस की बहुत ही बारीकियों से आपको अवगत कराया था, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी हैं और साथ ही साथ में प्लेलिस्ट पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने लगातार वीडियोस में आपसे कहता हूं और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको कोई भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको लिंक दे जो दिया है उसमें ज्वाइन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ से मैं आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा और उसमें आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके द्वारा प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ छोड़ने के लिए। बाकी जो टाइप्स सिखाने वाले हैं वो मैं ज़रूर आपके लिए सामने क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। चलिए उसी सीरीज़ में एक बार फिर से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। मैं उन क्वेश्चन को बोल दूंगा और हिंदी में ये क्वेश्चन होंगे और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको चेकआउट कर सकते हैं अपने इंग्लिश वर्जन में। और एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो एनसीईआरटी की चैप्टर देखेंगे आप तो एक्सरसाइज 9.1 है, 9.1 में आपके ये क्वेश्चंस हैं, वहीं से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन जो सॉल्व करना रहेगा उसे मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, जबकि बाकी के क्वेश्चंस को मैं केवल फिगर आउट कर दूंगा, यानी उनका चित्र बना दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। जहाँ वर्ड्स हिंदी के कुछ ऐसे होंगे जो क्लिष्ट होंगे, ज़्यादा टफ होंगे, तो उनको मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा जिससे कि आपको उसका इंग्लिश मीनिंग करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का, चलिए मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराते हुए चलता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हो गए होंगे तो वहाँ से वो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार है कोई, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है कोई बिंदु, उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश दे रखा है। ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट फाइंड करनी है मीनार की। आई होप कि अब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी सी, आप इससे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है आपको। आप लेट करेंगे कि जो भी है ये एक पोल है और उसके उससे जो उसका एंड पॉइंट है, ठीक है, उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है जिससे उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है टॉप का। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी 10 30 आप ले लेंगे, 10 30 इक्वल्स टू एच अपॉन 30, उसकी वैल्यू लगा देंगे 1/√3 एच अपॉन 30, एच की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आपने अक्सर पार्क में देखे होंगे जो बच्चे उस पर से सरकने का जो गेम खेलते रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए किस टाइप का बनेगा, फर्स्ट टाइप का ही फिगर बनेगा। क्या कर दिया गया है, ये लगा दी फिसलन पट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, ये फिसलन पट्टी उसने लगा दिया सबसे पहले, तो ये तो है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और कितना उसकी हाइट कितनी रखना चाहता है वो, 1.5 मीटर है ना पहले केस में ए बी सी। ठीक है, तो अब यहां से क्या ले लेंगे आप, आपको चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये एक्स एक्स डिस्टेंस चाहिए आपको, तो आप क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस चाहिए तो साइन 30 ले लेंगे आप, साइन 30 इक्वल टू 1.5/x। इसे मीटर में ही रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दूसरा केस उसने क्या कहा कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने क्या कर दिया कि एंगल को बढ़ा दिया, एंगल कर दिया 60 डिग्री।
अभी भी आपको यही वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैंने उसको वाई कह दिया और न्यू ट्राइंगल है तो पी क्यू आर कह दिया उसको। और अब ये जो डिस्टेंस है ये हाइट उसने कर दी है 3 मीटर, कितने कर दिए उसने 3 मीटर की कर दी है। तो इसके लिए भी आपको क्या लेना होगा, साइन 60 ही लेना होगा, 3 मीटर अपॉन वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स की वैल्यू, इस तरीके से आप दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एनडीए जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का ऑनियन कोण भी बढ़ रहा है, यह कथन सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, रीजन भी दीजिए। तो अब उसमें हमें रीजन भी देना पड़ेगा कि ये क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये मान लूँ कि इधर सन है आपका, ठीक है, तो ये आपका जो पोल है इसकी जो शैडो होगी वो इधर होगी, ठीक है। अब किसी टाइम पर ये जो शैडो है ये इसके इक्वलेंट है, मान लिया मैंने ये एक्स है, तब ये एंगल थीटा है, ओके। पहले मैंने ये मान लिया कि जितनी हाइट का ये पोल था उतनी ही हाइट की उसकी शैडो थी, एक्स मैंने ये हाइट मान ली तो एक्स ही इसकी शैडो की लेंथ हो गई, थीटा मैंने एंगल मान लिया, ये फर्स्ट कंडीशन है ए बी सी। तो क्या हो गया, अब इसमें टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई 45 डिग्री, ठीक है, टेन 45 अंश हो गया ये, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में देखिएगा ध्यान से मैंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा है कि जो मीनार की छाया की लंबाई है वो बढ़ रही है, ये जो लेंथ है ये बढ़ रही है, पहले बराबर मैंने मान ली, अब मैंने इसको ज़्यादा बड़ी कर देता हूँ, एक है एक्स और एक है एक्स रूट थ्री, एक है एक्स और एक है एक्स रूट थ्री, ठीक है। अभी भी मैंने थीटा ले लिया एंगल और नया ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, आप चाहो तो कोई और ले लीजिए, फाई ले लेता हूँ मैं फाई, इससे आप लोग परिचित भी हो जाएंगे, एक और एंगल ले सकते हैं फाई। कैसे बनाते हैं इसको, इस तरह से जीरो बनाएंगे, उसको पूरा कट करेंगे, ठीक है, लाइन बाहर तक जाएगी, ये फाई कहलाता है। तो इसमें मैंने क्या ले लिया, टेन फाई ले लिया, तो टेन फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन एक्स रूट थ्री। क्या आप जानते हैं कि ये वैल्यू इससे अधिक है, क्यों है, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू जो है वो 1.732 होती है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्स से कितने गुना है, 1.732 गुना है, 1.732 गुना है का मतलब एक्स से अधिक है। अच्छा आप कहोगे कि सर आपने रूट थ्री ही क्यों लिया, मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कुछ वैल्यूज 10 में मुझे मालूम है, 10 में क्या क्या वैल्यूज आती हैं, 1/√3, रूट थ्री, ये सारी वैल्यूज आती हैं, इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यू को लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स से एक्स कट गया, फाई की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3 बचा ना, तो 1/√3 कहाँ होता है, टेन 30 पर, यानी फाई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्या देखा आपने, आपने देखा कि जैसे ही ये लेंथ बढ़ी, ठीक है, ये लेंथ बढ़ी जब नीचे वाली, तो एंगल जो है क्या हुआ, 45 से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कम हो गया। सेंटेंस क्या था कि यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का ऑनियन कोण भी बढ़ रहा है, गलत कथन है, असत्य है, रीजन भी आपने दे दिया, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, एंगल घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और इस बात को एक कंसेप्ट के रूप में भी याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, ये पहले ए बिंदु था, टॉप वही है, मीनार पोल वही है, मीनार की हाइट अभी भी वही है, ठीक है। अगर इस पोल से मैं देख रहा हूं ये एंगल, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, अब ये डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, और ये पॉइंट आ गया बी। अब मैं यहां से इसको देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि ये एंगल क्या हो गया, घट गया, ये एंगल क्या हो गया, घट गया। ये एंगल अगर फाई है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा फाई जो होगा वो लेस देन होगा किससे, थीटा से। इस तरह की कंडीशन में जो फाई है वो क्या होगा, थीटा से छोटा होगा। ये सवाल इसीलिए भी यहां दिया गया था कि अब इससे आगे के सवालों में आपको इस कंसेप्ट का प्रयोग करना होगा। ये क्वेश्चन कहलाता है टाइप फर्स्ट, जिसमें केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ये कहलाता है टाइप सेकंड, जिसमें दो तरह के राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मीनार की चोटी का ऑनियन कोण 30 अंश है, कोई एक मीनार है, ठीक है, उसकी चोटी का ऑनियन कोण 30 अंश दिया हुआ है, ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए, ये हाइट जो है वो डबल अगर हो जाए, तो ऑनियन कोण
भी दोगुना हो जाएगा। यह कथन सत्य है, इसका भी रीजन बताना है, सत्य है या असत्य है इसका भी रीजन बताना है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, मैं वही सारे काम करने जा रहा हूँ। कैसे इस बात को लेंगे? पहली बात तो ये, अभी ये 30 दिया हुआ है, ठीक है, और ये डिस्टेंस फिक्स करनी है, ये डिस्टेंस फिक्स करनी है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल कैसे लिया जाए इस बात को, एंगल ले देता हूँ। मान लीजिए कि ये भी डिस्टेंस, उसकी हाइट जो है वो एक्स थी, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तब टेन थर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन एक्स, यानी कि वन हो जाएगी। क्लियर ही वाली बात। फिर अब ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कि इसको दोगुनी हाइट ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका एक्स था और ये फिर से एक्स हो गया, यानी कि अभी टोटल हो गया आपका 2x। कितना हो गया ये, 2x, ठीक है। अब जो है ये एंगल क्या बन गया होगा, मैंने फाई ले लिया है, x अभी भी वही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास tan फाई, tan फाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन x, x से x कट गया, tan फाई इक्वल्स टू आ गया 2। अब आप देख पा रहे हैं कि जो tan फाई है वो 2 है, 2 है यानी कि उससे भी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये जो फाई आएगा निकल के, हालांकि इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसको अगर डिग्रीज में निकालेंगे तो ये वैल्यूज आएगी तो सही 60 डिग्री के आसपास आएगी, क्योंकि रूट थ्री, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो ये लगभग 2 के आसपास आ रहा है। इसी तरीके से जो 2 की वैल्यू आएगी वो लगभग 70 डिग्री के आसपास आएगी, ठीक है। ये वैल्यूज मैं अभी यहाँ से नहीं आपको बताऊंगा, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं उसमें वैल्यूज को आप पढ़ सकते हैं, आपकी किताबों में अब नहीं है, पहले होती थी, वहां से इन वैल्यूज को निकाला जा सकता है कि 2 पर वैल्यू कितनी आएगी। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 74 डिग्री के आसपास होती थी वैल्यू। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, पहले से बढ़ गई, ठीक है। यानी जो फाई इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखेंगे तो टेन इनवर्स 2 कह देंगे, तो ये जो फाई है ये बड़ा हो गया किससे, थीटा से। अब वैसे भी दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फिगर बना रहा हूं, पहले डिस्टेंस इतनी थी, इसी पॉइंट से आप देख रहे थे, ये एंगल मान लीजिए थीटा था, अब आपने इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, उसी पॉइंट से फिर आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि थीटा जो है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो दो बातें आपको पता चली, क्या कि अगर परपेंडिकुलर की हाइट आप बढ़ाएंगे, एक ही पॉइंट से आप देख रहे हैं, तब तो एंगल बढ़ेगा, और अगर आप हाइट यानी बेस की लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, और टॉप एक ही रहेगा, इस तरह से करेंगे, तो फिर एंगल क्या होगा, घटेगा, कम होगा। क्लियर है वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक मकान, अब देखिए दो बातें आ गई, अब एक हाउस भी है और एक आपका पोल भी है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर से समझिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये यहां से यहां तक कोई भवन है 20 मीटर ऊंचा, उसके भी टॉप पर कोई पोल लगा हुआ है इस तरह से मीनार, यहां पर जमीन पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से ये जो डार्क मैंने कर दिया है ये पोल है एक्चुअली में, ठीक है, ये पोल है। अब इसका टॉप कहां होगा, ये टॉप हो गया इसका, इसका बॉटम कहां होगा, ये बॉटम हो गया इसका, ठीक है। तो पोल का तो टॉप ये है, बॉटम ये है, लेकिन हाउस का टॉप ये है और बॉटम ये है, ठीक है। तो जो आपने लेट किया है, ए बी एक हाउस है और बी सी जो है एक पोल है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल ये हो गया और शिखर टॉप ये हो गया, बॉटम और ये। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी क्या कह रहा है, एक बार में तो उसने ये वाले एंगल की बात की है और एक बार में यहां से लेके यहां तक पूरे एंगल की बात की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। इसको मैं नीचे लिख दूंगा इस तरह से। तो क्या बात की है उसने, पहला वाला एंगल है 45 और दूसरा वाला एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, कभी आप अगर कंफ्यूज भी हो जाएं कि ये वाला एंगल 45 है कि ये वाला एंगल 45 है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये वाली एंगल 45 है, अब तो ये ऊपर वाला तो बड़ा होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला एंगल होगा 60 डिग्री और छोटा वाला एंगल होगा 45। आपसे ये वाली हाइट पूछी जा रही है कि पोल की हाइट बताइए। ये मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर ली कि ये लेट
एक्स मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था। चलिए अब मीनार की ऊंचाई कैसे याद करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए बी सी हो गया, ये डी हो गया। इस बात को लिखेंगे कि जो ए बी है वो हाउस है और उस हाउस की जो हाइट है वो 20 मीटर है, बी सी जो है वो पोल है और उस पोल की जो हाइट है आपने लेट कर ली है एच मीटर है। साथ ही साथ में ए डी जो डिस्टेंस है पॉइंट की है ना, पॉइंट तो वो कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स मीटर पर है, वो भी आपने लेट कर लिया। तब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी ए बी डी, इस छोटे वाले ट्राइंगल में 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 20 अपॉन बेस यानी एक्स। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 20 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप पूरा ट्राइंगल लेंगे, पूरा वाला बड़ा वाला। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितना यूज होगा, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ये पूरा का पूरा 20 प्लस एच, तो 20 प्लस एच अपॉन एक्स। 1060 की वैल्यू लगा दीजिए, रूट थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू थी 20 इक्वल्स टू 20 प्लस एच। ठीक है, तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, अब एच की वैल्यू चाहिए तो 20 रूट थ्री में से 20 को माइनस कर दीजिए, रूट थ्री की वैल्यू लगा लीजिएगा यहां पर 1.732 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 20 का, फिर उसमें से माइनस कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो ये 20 इंटू 0.732 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा वही आपका आंसर है। क्लियर है वाली बात, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हैं और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस के फिगर के बारे में बात करेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने सहपाठियों को, दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, जो पढ़ने वाले हों केवल, ठीक है, तो उनको भी बताइए चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा एसडी पॉइंट को देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।